दीपावली की सभी छात्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि आपको आपका ड्रीम्ड कॉलेज आपको मिले। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, आपको पता है कि ऑल इंडिया कोटा 15% का राउंड वन का रिजल्ट आने के बाद आपकी रिपोर्टिंग चल रही होगी कॉलेज में। जिन छात्रों को फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट हुआ है, वो छात्र जाकर के अपने रेस्पेक्टेड कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो जो भी आपको अलॉट हुआ हो। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो न्यू कैंडिडेट हैं, ठीक है, जिन्होंने पिछली साल भी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट नहीं किया था। जो स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है एग्ज़ाम में, एक आध बार काउंसलिंग कराई है, उनको तो रूल पता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको रूल नहीं पता है। बहुत स्टूडेंट्स हैं जो मेरे को मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, अभी एक दो दिन मेरी अभी वीडियो नहीं आ पाई थी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। एक्चुअली बहुत रीज़न था इसलिए मैं नहीं आ पाई थी, लेकिन ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, बहुत स्टूडेंट्स के डाउट्स ये रहते हैं कि हम राउंड वन में पार्टिसिपेट करें या फिर नहीं करें। राउंड वन में पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या हमको कोई आगे दिक्कत तो नहीं हो सकती है, ठीक है, काउंसलिंग के दौरान? क्या राउंड टू में हमको सीट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? क्या हम राउंड वन की सीट छोड़ते हैं तो क्या सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा? अगर हम राउंड वन की सीट को ज्वाइन करके रिज़ाइन करते हैं तो क्या हमको राउंड टू में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा? कहीं हमारी फीस तो जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त तो नहीं कर ली जाएगी? इस सभी के लिए मैं डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें और टेक्निकल हिंदी गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नीट की सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइडेंस दूंगा मैं, और गाइडेंस दे रहा हूँ, ठीक है। आपको सभी जगह रुपए लिए जाते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग में आपकी सभी हेल्प करने वाला हूँ। PDF आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। आपका कोई भी डाउट हो इंस्टाग्राम पर DM करके पूछ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखी है, ठीक है, या टेक्निकल हिंदी गुरुजी डाल करके आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर, ठीक है। देखिएगा, मैं इसका एक बार शेड्यूल आपको बताऊँ तो जो ऑल इंडिया कोटा राउंड वन का शेड्यूल है, 28 अक्टूबर तक आप रिपोर्ट करेंगे जा करके, ठीक है। आज जो डेट हो चुकी है वो आज 24 अक्टूबर है, आपके पास 4 दिन का समय और बचा है। जो छात्रों को कॉलेज मिला है 28 अक्टूबर तक जाकर के एडमिशन कराएंगे, लेकिन डाउट छात्रों का क्या रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, राउंड वन में आपको पता है कि ऑल इंडिया कोटा की 15% जितनी भी स्टेट है उनकी सभी 15% सीट ऑल इंडिया कोटा के लिए आती हैं, जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह प्राइवेट होते हैं सभी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी जितनी है सभी ऑल इंडिया कोटा में आती हैं। एम्स जितने हैं सभी, ठीक है, जिपमर, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, AMU, BHU और BSc नर्सिंग की सभी सीट्स आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड वन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जब भी कोई सीट अलॉट हुई है ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड में आपको जो सीट अलॉट हुई है, ठीक है, वो आपकी एकदम से फ्री एग्जिट होती है। राउंड वन आपका जो होता है वो फ्री एग्जिट होता है। सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी आप ले लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, राउंड वन जो होता है, ठीक है, वो फ्री एग्जिट होता है, ठीक है, राउंड वन फ्री एग्जिट होता है, ठीक है। उसके बाद मैं भी डिटेल में चलूंगा, पहले आप बेसिक से लेकर मैं चलता हूँ। उसके बाद रहा सेकेंड राउंड, मोप अप राउंड, ठीक है, और स्ट्रे राउंड, ठीक है, स्ट्रे राउंड, ये कोई भी फ्री एग्जिट नहीं होते हैं, केवल केवल राउंड वन होता है जो कि फ्री एग्जिट होता है। इसमें MCC हो चाहे कोई स्टेट हो वो आपको अथॉरिटी देती है। उत्तर प्रदेश स्टेट है जहां पर फ्री एग्जिट नहीं होता है। आपको ये अथॉरिटी दी जाती है कि अगर आपको कोई सीट इच्छुक नहीं है उस सीट को लेने के लिए तो आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, सीट को छोड़ सकते हो, ठीक है। फ्री एग्जिट का सीधा सा मतलब ये होता है, ठीक है, हालांकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ लेकिन छात्रों के कमेंट्स आने पर मैं सोचा इन्फॉर्म कर दिया जाए आपको, ठीक है। फर्स्ट राउंड आपका फ्री एग्जिट होता है, मतलब ये है कि अगर आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कोई सीट मिली है आप उस सीट को छोड़ सकते हो, आपकी ना ही सिक्योरिटी मनी जब्त की जाएगी ना ही आप काउंसिलिंग से बाहर किए जाएंगे, ठीक है। बोला गया है कि मेन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन विच विल बी द इंक्लूड पेमेंट और नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी, रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट टू बी द रिफंडेड ओनली इन द अकाउंट फ्रॉम विच पेमेंट हैज बीन मेड, ठीक है। देखिएगा, ऑल इंडिया कोटा का राउंड वन होता है, ठीक है, इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, न्यू चॉइस फिलिंग भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद रहा राउंड टू, इसमें भी आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और चॉइस फिलिंग भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद रहा मोपअप राउंड, आप इसमें भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ध्यान रहे कि अगर आपने राउंड वन में रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आगे आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ठीक है, लेकिन फ्रेश चॉइस फिलिंग आप हर राउंड में कर सकते हो, ध्यान देना, ठीक है।
अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो हर राउंड में आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद मोपअप राउंड के बाद आता है आपका स्ट्री वैकेंसी राउंड। स्ट्री वैकेंसी राउंड में ना आपको चॉइस फिलिंग का मौका दिया जाएगा ना ही रजिस्ट्रेशन का मौका दिया जाएगा। मोपअप राउंड तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, चॉइस फिलिंग कर सकते हो, ठीक है। आपकी जो भी चॉइस फिलिंग होगी वो मोपअप राउंड की कंसीडर की जाएंगी। अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो मोपअप राउंड वाली जो चॉइस फिलिंग होगी वो स्ट्री वैकेंसी राउंड में कंसीडर की जाएगी। उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो है रजिस्टर सीट अलॉट की जाएगी जो मोपअप राउंड में आप चॉइस फिलिंग करोगे। इसलिए बहुत ध्यान से चॉइस फिलिंग आप सभी स्टूडेंट्स को करनी है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ, मैंने आपको बता दी कि राउंड वन फ्री एग्जिट होता है। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई है, आप चाहते हो कि नहीं हमको इस सीट पर एडमिशन नहीं लेना है, हमको सेकंड राउंड में जाना है, तो नो प्रॉब्लम, आप सेकंड राउंड में जा सकते हो। वो सीट आपको मिली है उसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सीट को छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद लेकिन ध्यान देना ये, अगर आपको ठीक है सीट छोड़ सकते हो या आप उसको अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है, अपग्रेड कर सकते हो अपनी सीट को। अपग्रेड का क्या मतलब होता है, राउंड वन में आपको जो सीट मिली वो फर्स्ट राउंड की जो सीट है उस सीट पर आप एडमिशन लीजिएगा जाकर के कॉलेज में। एडमिशन लेने के बाद आप कॉलेज वालों से बोलेगा कि हमको अपग्रेड करना है अपनी सीट को। अपग्रेड करने का ये होता है कि अपग्रेड आप जो करेंगे सेकंड राउंड में आप न्यू फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे। रजिस्ट्रेशन नहीं, केवल चॉइस फिलिंग करनी है फ्रेश। अगर आपने फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं की तो आपको कोई सीट अलॉट नहीं होगी, इसी सीट पर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा राउंड वन वाली, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो चॉइस फिलिंग आपकी है, ठीक है, जो फ्रेश चॉइस फिलिंग आपको सेकंड राउंड में करनी है अपग्रेड करने के बाद, सेकंड राउंड में आपको जो सीट मिलेगी तो फिर ये वाली सीट आपकी हट जाएगी, इस सीट से आप एग्जिट हो जाओगे और सेकंड राउंड में आपको जो सीट मिली उस पर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। या आपको सेकंड राउंड में अपग्रेड के बाद सीट मिली, या फिर आपको एक फ्रेश सीट मिली, फर्स्ट राउंड में नहीं मिली, सेकंड राउंड में आपको मिल गई, या फिर अपग्रेड के बाद सीट मिल गई, तो आपको सेकंड राउंड वाली सीट लेनी पड़ेगी। अगर आप सीट मिलने के बाद सेकंड राउंड में सीट नहीं लेते हो, आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर आप एडमिशन ले लेते हो सेकंड राउंड में सीट मिलने के बाद, तो एडमिशन मिलने के बाद, एडमिशन लेने के बाद अगर आप उस सीट को छोड़ नहीं सकते, ठीक है, मतलब ये है कि अगर आपको सेकंड राउंड में सीट मिली और आपने उस पर एडमिशन किया, रिपोर्ट किया जा करके, तो आप फर्दर राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, ना ही मोपअप राउंड के लिए ऑल इंडिया कोटा के, ना ही अपनी स्टेट के लिए एलिजिबल रहोगे, आप सभी जगह से बंद हो जाओगे, ठीक है। इस बार आपको मैंने बता दिया है कि एमसीसी ने पोर्टल बनाया है जिस पर आपका नाम रजिस्टर कर दिया जाएगा सेकंड राउंड में सीट मिलने के बाद, ठीक है। ये आपकी थोड़ी सी जानकारी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे मेरे से कुछ पूछ छूट गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, बाकी मुझे नहीं लगता कि कुछ छूटा हो। जितनी जानकारी छात्र मेरे से पूछ रहे थे उन सभी जानकारी की डिटेल मैंने आपको बता दी। जो ऑल इंडिया कोटा का रिपोर्टिंग डेट है वो 28th अक्टूबर लास्ट डेट है। 28th अक्टूबर के बाद आप रिपोर्ट नहीं कर सकते जाकर के। आपकी सीट पर अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो वो सीट आपकी निरस्त कर दी जाएगी। सेकंड राउंड में फिर आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। सेकंड राउंड में जो सीट होती है वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट, एम्स, जिपमर डीम्ड यूनिवर्सिटीज, एएमयू, बीएचयू और बीएससी नर्सिंग की सीट्स रहेंगी, जहां पर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग भी करनी पड़ेगी, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे फर्स्ट राउंड में सीट मिली हो या फिर नहीं मिली हो, नया रजिस्ट्रेशन कर रहा हो तो भी आप रजिस्ट्रेशन और फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। सेकंड राउंड में सीट मिलेगी, मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया। बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।